Assalamu alaikum all the students from here. Hope you all are good. By the grace of Almighty, I'm also good. आप लोगों को पता ही है मैं students के लिए जो एक information लेके ही आता हूँ और इसी ज़िमन में आज मैंने जो है फिर से आपके लिए एक most important video ले आया, ठीक है? I hope कि आप लोगों को जो ये video जो है आप इसको गौर से सुनोगे, ठीक है? और क्योंकि आपको जो है इस वीडियो को गौर से सुनना ही है, ठीक है? क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है? एस्पेशली इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी एंड उसका इंपैक्ट क्या रहता है भाई साहब नीट स्टूडेंट्स के लिए. एंड नंबर सेकंड थिंग वी विल टॉक इन दिस वीडियो के जो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, अब उनको जो है शिफ्ट होना है 11th के अंदर, ठीक है? और वो चाहते हैं मेडिकल स्ट्रीम ले, उनके लिए क्या मशवरा हमारी तरफ से है, ठीक है? तो ये दो बातें हम इस वीडियो के अंदर खास तौर पर करेंगे और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है क्योंकि ये रिजर्वेशन पॉलिसी इसको समझना जरूरी है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है? लेकिन इस वीडियो को जो है भाई सब लास्ट तक देखना, तब जाके आपको ये समझ आएगा, ठीक है? क्योंकि और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, हर स्टूडेंट को इस बात की जो है बाकायदा जो है खबर होनी चाहिए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भाई साहब हमें सबसे पहले समझना है कि जेएंडके के अंदर जो हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी है, ठीक है? तो उसमें हमारे पास एससी आती है, एसटी आती है, ओबीसी आती है, आरबीए आता है, एलसी आईबी आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, एक्सर्विस आती है, पीडब्ल्यू आता है और एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि ओपन मेरिट आता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूंगा भाई साहब कि जो हमारे पास ओल्ड रिजर्वेशन थी इन कैटेगरीज के लिए, तो हमारे पास जो ओल्ड रिजर्वेशन थी उसके हिसाब से जो है हमारे पास एससी के लिए 8% थी, ठीक है? 10% थी एसटी के लिए, 4% थी ओबीसी के लिए, 10% थी आरबीए के लिए, एलसी के लिए 4% थी और 10% जो है ईडब्ल्यूएस के लिए थी, 6% एक्स सर्विस के लिए, 4% पीडब्ल्यू के लिए और एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि ओपन मेरिट के लिए 44% थी, ठीक है? और नई रिजर्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसमें से 8% जो है रखा गया है किसके लिए, एससी के लिए. अगर हम इसको इस हिसाब से समझेंगे जो हमारे पास नई रिजर्वेशन है, नई रिजर्वेशन के अंदर खाली जो है कैटेगरीज जिनको और सीट्स रिजर्व की गई जिनके लिए परसेंटेज ऑफ सीट्स बढ़ाई गई वो हमारे पास है एसटी और ओबीसी, ठीक है? जो एसटी है, एसटी को अभी तक भाई साहब थे खाली 10%, ठीक है? उनको 10% से जो है 20% किया गया यानी कि डबल किया गया, ठीक है? 10% का इंक्रीमेंट किया गया. ओबीसी जो हमारे पास है भाई साहब इनको 4% हुआ करता था अभी तक, ठीक है? इनको अब जो है 8% दिया गया, मतलब 4% का इंक्रीमेंट किया गया. तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे 14% जो है इंक्रीमेंट किया गया इन दोनों कैटेगरीज के लिए. बाकी जितने भी कैटेगरीज है उनके लिए सेम ही है, ठीक है? बाकी किसी कैटेगरी के लिए जो है भाई साहब चेंज नहीं किया गया है. लेकिन बात को यहां पे इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि ये जो 14% बढ़ाए गए इनके लिए, क्या सीट्स जो है इंक्रीज की गई है? नहीं भाई, सीट्स वगैरह इंक्रीज नहीं की गई है. बल्कि भाई साहब यहां पे ये जो 14% है ये यहां पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज से काटे गए यानी कि ओपन मेरिट स्टूडेंट से जो है ये 14% जो है काटे गए. मतलब अगर उनके लिए भाई साहब अभी तक 44% हुआ करता था और लेकिन उनके लिए अब जो है खाली 30% है, ठीक है? जिसकी वजह से इनके लिए अब नाम स्टूडेंट्स ने दिया एंडेंजर्ड स्पीशीज और हम भी इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज से अब क्या पुकारते हैं, ठीक है? देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को परसेंटेज वाइज समझ ही नहीं आता है जिसकी वजह से हम सीट्स की ही बात करते हैं. जेएंडके के अंदर अभी तक जो है 1239 सीट्स हुआ करती थी टोटल सीट्स, ठीक है? आज जो है 1239 सीट्स है जेएंडके के लिए. उसके अंदर 15% एआईक्यू के लिए है यानी कि 224 स्टूडेंट्स जो है सीट्स जो है वो रिजर्व की गई फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए. इसका मतलब ये है कि भाई जब कश्मीर के अंदर कोई नीट के अंदर टॉपर आता था वो फिर एम्स दिल्ली प्रेफर करता था, एम्स दिल्ली के बगल में जो कॉलेज हुआ करते थे उनको प्रेफर करता था. इन द सेम वे अगर अभी जो हमारे पास भाई साहब कोई बाहर वाला स्टूडेंट है उसको इतने अच्छे मार्क्स आए हैं कि अब वो प्रेफर करना चाहता है जेएमसी जम्मू, जेएमसी श्रीनगर, तो भाई साहब वो इन 224 स्टूडेंट्स में, उन 224 सीट्स में आ सकता है, ठीक है? मतलब यहां पर बच गए कुल मिला के सीट्स 10-15 फॉर द जेएंडके स्टूडेंट्स, ठीक है? उसमें से जो 70% वो तो कैटेगरी वाले लेते हैं और उसका मतलब यह है कि 710 सीट्स जो है वो कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है? और 30% खाली ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए है और वो भाई साहब हो गई 3-5 सीट्स फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स. इट मींस दैट कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 152 हो गए और मेल स्टूडेंट्स के लिए 152 हो गए, ठीक है? और यहां पे जो है भाई साहब अगर देखा जाएगा जुल्म की बर्बरियत जो है वो की गई है भाई साहब खाली ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए. एंड वी कैन नॉट डू दिस एज पर दिस न्यू रूल, ठीक है? वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. लेकिन भाई साहब यू कैन कमेंट, यू कैन शेयर दिस वीडियो सच दैट इट विल रीच टू सम
any official, any higher administration, which can वो भी हमारी इस नागुजार जो इस रिक्वेस्ट को समझ सके, ठीक है, और उसकी वजह से भाई साहब जो है थोड़ा बहुत जो हम पे भी राहत का जो है राहत की जाए और रहम किया जाए, ठीक है, क्योंकि हम पिस रहे, हम एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गए, जिस तरीके से एक हांगुल जो है दाशीगाम नेशनल पार्क में बन गया, ठीक है, तो एक रोने का मकाम है, हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो जो नन्हे मन्ने से प्यारे से बच्चे आएंगे, अब मतलब जिनको टेंथ के अंदर जो है बहुत सारे मार्क्स आएंगे, ठीक है, 450 आएंगे, 450 से ऊपर आएंगे, किसी को 400 ही आते हैं, और अब वो जाता है तो उसको गांव के ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको फिर अपने पेरेंट्स की तरह उनको अपने पेरेंट्स को जो है खुश करने के लिए वो कहते हैं कि अब हम श्रीनगर जाएंगे क्योंकि मुझे इतने मार्क्स आए, ठीक है, मैं मेडिकल पकड़ूंगा, ठीक है, और सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, आगे से उनके जो दो तीन सीनियर्स जो है गए हुए होते हैं स्कूल से, जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आकाश में गए होते, अलन में गए होते, स्काई में गए होते, पीडब्ल्यू के अंदर गए होते मेडिकल पकड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन ये बात पता नहीं होता है कि भाई साहब मैं तो ओपन मेरिट स्टूडेंट हूं, मेरे साथ क्या हो जाएगा आगे, क्या मैं सीट निकाल सकता हूं, क्या मेरे लिए कंपटीशन बढ़ तो नहीं गया, ठीक है, क्या मुझे जो है किस हिसाब से जो इस मेडिकल को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंपल आपको जो है अपने बड़ों के साथ जो है मशवरा करने की जरूरत है, जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल पकड़ना चाहते हैं, अपने जो हमारे पास भाई आपके बड़े बड़े जो सीनियर्स हैं, गार्डियंस हैं, उनके साथ बात किया करिए कि हमें हमारे लिए बेहतर बेहतर रह सकता है कि मेडिकल लेना, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, और फिर जाके आप प्रेफर करना। भाई मैं ये कहूंगा मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे चॉइस है, डोंट गो ऑल्सो फॉर मेडिकल, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी तक अगर जेएमसी के अंदर जेएमसी श्रीनगर के लिए ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए 624 कट ऑफ हुआ था पिछले साल भी, और 2020 के अंदर भी शायद 624 हुआ था। मुझे लगता है जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, अगर उनको जेएमसी श्रीनगर चाहिए, अब उनको जो है नीट के अंदर जो है 660 प्लस जो है स्कोर करना है भाई साहब, मे बी उससे भी ज्यादा मत करना होगा क्योंकि कट ऑफ बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। तो ये एक दुख भरी कहानी है, ठीक है। इस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी कोशिश जो है पसंद आई हुई होगी कि जो मैंने आपके लिए वीडियो लाया और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को समझाया। बाकी थैंक यू।